हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 4 बेस्ट रेट्रो स्टाइल अपकमिंग बाइक्स के बारे में, जिनका इंडियन ड्यूलर मार्केट में लॉन्च होना बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। ये सभी बाइक्स 2022 में बिल्कुल कंफर्म आने वाली हैं और इनमें से दो बाइक्स की लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुकी है। सो अगर आपको इन सभी रेट्रो स्टाइल वाली कंफर्म्ड अपकमिंग बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार सब्सक्राइब कर लो। किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस लिस्ट में सबसे पहली बाइक है TVS रेट्रॉन 164V। दोस्तों, TVS की तरफ से एक रेट्रो स्टाइल वाली बाइक इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, क्योंकि इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट भी किया जा चुका है। कुछ पिक्चर्स में इस बाइक को स्पोर्ट किया गया है, जिससे इस बाइक के कुछ फीचर्स रिवील हो चुके हैं। ये बाइक TVS की RTR 164V पे ही बेस्ड होगी। ये बाइक 164V के साथ इंजन और काफी सारे कंपोनेंट्स को शेयर भी करेगी। इस बाइक के प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,30,000 to 1,40,000। और लॉन्च डेट के बारे में अगर बात करें तो ये बाइक जनवरी से अप्रैल के बीच में इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, TVS ने रेट्रॉन ट्रेडमार्क काफी टाइम पहले ही रजिस्टर करवा लिया था और इस बाइक का लॉन्च होना बिल्कुल कंफर्म है। इस बाइक के अंदर हमें रेट्रो टाइप की ही लुक देखने को मिलेंगे, ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये होगा कि इसके अंदर हमें राउंड शेप्ड LED हेडलाइट देखने को मिलेगी विद LED DRLs, साथ में इस बाइक के अंदर LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये रहने वाला है कि इस बाइक के अंदर हमें प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिन पिक्चर्स में इस बाइक को स्पोर्ट किया गया है उस बाइक के अंदर अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स भी है, राउंड शेप्ड हेडलाइट है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर हमें एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा और ये भी सर्कुलर शेप में होगा। इस बाइक के अंदर राउंड शेप्ड LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। इस बाइक का फ्यूल टैंक काफी मस्कुलर होने वाला है, जो कि टीयर ड्रॉप शेप का होगा। सो ये बाइक बिल्कुल एक टिपिकल रेट्रो स्टाइल वाली मशीन होने वाली है। इंजन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक में 159.7 cc का ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 16 PS के आसपास और मैक्सिमम टॉर्क होगा 14 Nm का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर हमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगी। इस बाइक के अंदर ड्यूअल पर्पज टाइप के टायर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही इस बाइक के अंदर इंजन कट ऑफ स्विच भी देखने को मिलेगा। सस्पेंशन के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर फ्रंट में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। ये बाइक TVS की जैपलिन कॉन्सेप्ट मॉडल पे बेस्ड हो सकती है, लेकिन जिन पिक्चर्स में इस बाइक को स्पोर्ट किया गया है उनसे कंफर्म हो चुका है कि ये बाइक एक टिपिकल रेट्रो स्टाइल वाली मशीन होने वाली है। सो ये थी सबसे पहली बाइक TVS रेट्रॉन, जिसका एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,30,000 to 1,40,000। अब हम बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। इस लिस्ट में सेकंड बाइक है रॉयल एनफील्ड की तरफ से हंटर 350। दोस्तों, हंटर 350 काफी बार टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट हो चुकी है। इस बाइक को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज करते टाइम भी स्पोर्ट किया गया है। सो इस बाइक की क्रूजिंग स्पीड हमें काफी अच्छी देखने को मिलेगी और रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में ये बाइक सबसे चीपेस्ट मशीन होने वाली है, क्योंकि इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,70,000। और लॉन्च के बारे में अगर बात करें तो ये बाइक जनवरी से अप्रैल के बीच में बिल्कुल कंफर्म लॉन्च होने वाली है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 2022 में रॉयल एनफील्ड की सबसे पहली बाइक लॉन्च होगी। ये बाइक मीटियोर 350 के जैसे ही जे प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी। इस बाइक के अंदर में फ्रंट में राउंड शेप्ड हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलेगी विद LED DRLs, ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम वाला एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिलेगा। हंटर 350 के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। इस बाइक के अंदर मीटियोर 350 वाला वही सेम 349 cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 20.4 PS की और मैक्सिमम टॉर्क होगा 27 Nm का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगी विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS। इस बाइक के अंदर में काफी वाइड इजी टू रीच हैंडल बार देखने को मिलेगा और इस बाइक का राइडिंग पोस्चर भी काफी कंफर्टेबल होने वाला है। इस बाइक के अंदर सिंगल पीस सीट देखने को मिलेगी और रियर में हैलोजन टाइप टेल लाइट देखने को मिलेगी। सो ये थी सेकंड बाइक रॉयल एनफील्ड की हंटर 350, जिसका एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,70,000 और इस बाइक का भी लॉन्च होना बिल्कुल कंफर्म है, जो जनवरी से मार्च के बीच में इंडियन टूलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है। अब हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ बाइक के बारे में। दोस्तों, इन दोनों बाइक्स का लॉन्च होना बिल्कुल कंफर्म हो चुका है और इन दोनों बाइक्स की लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुकी है। ये दोनों बाइक्स हैं YZD रोड किंग स्क्रैम्बलर और YZD रोड किंग एडवेंचर। इन दोनों बाइक्स का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,70,000 और ये दोनों बाइक्स इंडियन टूलर मार्केट में 13th ऑफ जनवरी को ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है। 13 जनवरी को ये बाइक ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च हो जाएंगी। इन दोनों बाइक्स के अंदर में 293 cc का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन देखने को मिलेगा,
जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 27.3 पीएस की और मैक्सिमम टॉर्क होगा 27 न्यूटन मीटर का। ये दोनों बाइक्स भी टेस्टिंग के दौरान काफी बार स्पोर्ट हो चुकी हैं और इन दोनों बाइक्स के अंदर भी हमें रेट्रो स्टाइल लुक्स देखने को मिलेंगे। दोनों बाइक्स के अंदर सिंगल पीस सीट देखने को मिलेगी। यसडी रोड किंग स्क्रैम्बलर एक टिपिकल स्क्रैम्बलर टाइप की मशीन है और यसडी रोड किंग एडवेंचर एक टिपिकल एडवेंचर टूर टाइप की मशीन है। इन दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। दोनों ही बाइक्स के अंदर ड्यूअल पर्पस टाइप के सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेंगे। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक होगी विद स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल एबीएस। इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में राउंड शेप्ड हेडलाइट देखने को मिलेगी विद एलईडी डीआरएल्स। एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिल सकता है और कॉम्पैक्ट साइज फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिल सकता है और इन दोनों बाइक्स के अंदर में स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। यसडी की बाइक्स काफी बार टेस्टिंग के दौरान स्पोर्ट हो चुकी हैं और बहुत जल्द ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। यसडी की तरफ से दो बाइक सबसे पहले मार्केट में आएंगी, जिसमें सबसे पहली बाइक है यसडी रोड किंग स्क्रैम्बलर और सेकंड बाइक है यसडी रोड किंग एडवेंचर। रोड किंग स्क्रैम्बलर का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,60,000 टू 1,70,000 और रोड किंग एडवेंचर का एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है 1,80,000 के आसपास। तो ये बाइक्स भी बहुत जल्द ही मार्केट में आने वाली हैं। रोड किंग स्क्रैम्बलर एक टिपिकल स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक होगी, जिसके अंदर फ्रंट में राउंड शेप्ड हेडलाइट देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा और सिंगल पीस सीट देखने को मिलेगी। फ्रंट में इस बाइक के अंदर टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। इन दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक होंगी, साथ में स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल एबीएस भी देखने को मिलेगा। रोड किंग एडवेंचर एक टिपिकल एडवेंचर टूर टाइप की मशीन होगी। इन दोनों बाइक्स के अंदर 293 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 27.33 पीएस की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट होगी 27 न्यूटन मीटर की विद 6 स्पीड ट्रांसमिशन। ये दोनों बाइक्स टेस्टिंग के दौरान काफी बार स्पोर्ट हो चुकी हैं और जिन पिक्चर्स में इन बाइक्स को स्पोर्ट किया गया है उन पिक्चर्स में दोनों बाइक्स देखने में काफी अच्छी लग रही हैं। सो दोस्तों, ये थी थर्ड और फोर्थ नंबर पे यसडी रोड किंग स्क्रैम्बलर और यसडी रोड किंग एडवेंचर। ये दोनों बाइक्स 13 जनवरी को इंडियन टूलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने वाली हैं। सो दोस्तों, ये थी टॉप फोर बेस्ट कंफर्म्ड रेट्रो स्टाइल वाली अपकमिंग बाइक्स जो इंडियन टूलर मार्केट में 2022 में लॉन्च होने वाली हैं। दोस्तों, आप इनमें से किस बाइक का वेट कर रहे हो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।